नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स पर सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ। नॉट ओनली मेरी बात करूँगा, आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो मतलब एक जो है मेरा व्यूअर्स का ही बात है जो चैनल पे है। और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि उनका प्रोफाइल को थोड़ा देखने के लिए कहाँ कहाँ गलती करते हैं और क्या क्या गलती उन्होंने किया है, उन सब चीज़ों को मैं एनालाइज़ करके और लाइव आपको दिखाऊंगा। उनका जो है उनका पूरा पीएनएल स्टेटस दिखाऊंगा। पिछले उन्होंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया, स्टार्टिंग शुरुआत ऑलमोस्ट ज़्यादातर उन्होंने मैक्सिमम 10 डेज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ 13 14 डेज, मतलब हाफ हाफ ऑफ द मंथ उन्होंने ट्रेड किया। और हाफ ऑफ द मंथ उन्होंने ट्रेड करके क्या लॉस किया है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। और उनको भी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, उनसे फ़ोन में एंड व्हाट्सएप में गाइड कर चुका हूँ। और आफ्टर दैट आज की डेट पे उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया है, जो लॉस किया था उसका अच्छा खासा प्रॉफिट, सम काइंड ऑफ मेरे सजेशन से अच्छा प्रॉफिट किया है आज की डेट में। सो अभी डायरेक्टली अगर थोड़ा सा आपको घुमा के दिखा देता हूँ कि उनका प्रोफाइल वगैरह आप लोगों को लाएगा। यहाँ पर देखिए, ये उनका प्रोफाइल आईडी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो उनका जो है लॉसेस स्टार्ट किया था दिसंबर मंथ से जनवरी मंथ, दिसंबर मंथ में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उसको, जनवरी में 1 दिन प्रॉफिट 2 दिन लॉस हुआ, उसके बाद उन्होंने ट्रेड नहीं किया है, ठीक है। तो बैकग्राउंड पे मत जाऊँ, ठीक है। तो उन्होंने ट्रेड नहीं किया, तो उनका जो टोटल लॉसेस के वो हम लोग स्क्रीन पे जो रिकॉर्ड करके आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, उन्होंने क्या क्या कहाँ का लॉसेस कहाँ का क्या किया है, क्या गलती किया है हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में जा रहे हो और आपके पास नॉलेज नहीं है तो किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत ज़्यादा जो है सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका छोटा सा गलती छोटा सा जो है गलत डिसीजन आपको बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान कर सकता है, जैसे ये बंदे के साथ हुआ है, ठीक है। तो ये जो बंदे का नाम है, इनका नाम एक मिनट चेक कर लेता हूँ, इनका नाम है राहुल, ठीक है, राहुल सिंह। तो इनके साथ जो हुआ है ये उतना अच्छा नहीं हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। तो अभी देखते हैं, आप लोग स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए और उसके बाद आप लोग सोचिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है या नहीं आना, आना है तो कैसे आना है, सीख के आना है या फिर ऐसे तुक्का मारने के लिए आना है, ठीक है। चलिए जाके देखते हैं। ओके सो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो कंसोल में मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ, जहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों के रेफरेंस पर्पस। यहाँ पर जो देख रहे हो राहुल सिंह का अकाउंट है, यहाँ पर राहुल सिंह का नाम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। भाई ने मुझे अपना प्रोफाइल का जो है एक्सेस दिया है कुछ देर के लिए, बाद में वो पासवर्ड चेंज कर लेगा, तो एक्सेस दिया है कि देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उनका जो लॉसेस हुआ, एक्चुअली उनके अकाउंट में कुछ पैसा नहीं है, लेकिन अभी जो फिलहाल उन्होंने स्टार्ट किया था, अगर आप लोग यहाँ पर डेट देखते हो तो मैं थोड़ा क्लियर इसको हटा देता हूँ। ओके सो यहाँ पर जो आप लोग डेट देखते हो तो डेट कितना का आप हाँ देख सकते हो, आप लोगों को सामने कुछ भी यहाँ पर छुपाने वाले बात नहीं है, ठीक है। डेट रेंज जो है वो आप लोग देख सकते हो 2022 12 1, मतलब दिसंबर महीने का जो है 1 तारीख से लेके अभी 2023 1 16, मतलब आज की तारीख तक, ठीक है, आज की तारीख तक क्लियर आप लोग यहाँ पर भी मेंशन है सारे चीज़। आप लोग क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है डाउट हो सकता है कि मैं गलत कुछ बोल रहा हूँ, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, जो भी आपको क्लियर है बंदे ने मुझे दिया है भरोसा करके। और यहाँ पर उनका जो टोटल लॉस हुआ है, ठीक है, मैं थोड़ा जो है रोल करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए उनका प्रॉफिट एंड लॉसेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उनका जो यहाँ पर लॉसेस हुआ है, लॉसेस हुआ है रिलीज पे एंड लॉस हुआ है 28.53, ठीक है, मतलब टोटल उन्होंने लॉस किया। उसके साथ उनका जो चार्जेस ऐड हुआ है वो 4000 रुपये चार्जेस ऐड हो चुका है। और उनका जो टोटल नेट रिलीज पे एंड लॉस हुआ है, अगर देख सकते हो नेट रिलीज उनका पे एंड लॉस कितना हुआ है, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि नेट रिलीज जो है उनका पे यहाँ पर लॉसेस हुआ है वो 32.58, मतलब 32,580 रुपये के आसपास, मतलब इतना बड़ा लॉस उन्होंने कितने दिन में किया। अगर आप ट्रेडिंग देखते हो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 दिन किया है, यहाँ पर 2 दिन 3 दिन किया है, तो 13-14 दिन में अप्रोक्स अगर पकड़ लूँ मैं 13 या 14, एक गिन लेता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलिए 13 दिन में उन्होंने जो टोटल लॉस किया है वो लॉस किया है कितना, 32,000, मतलब 33,000 पकड़ लीजिए, 13 दिन में 33,000 रुपये उन्होंने लॉस किया है। मतलब कितना बढ़िया उन्होंने जो लॉस किया, बढ़िया इन द सेंस मतलब कितना गंदा उन्होंने लॉस किया है। तो उन्होंने जो है क्या क्या चीज़ फॉलो नहीं किया था, उन्होंने सबसे पहला जो चीज़ नंबर 1 फॉलो नहीं किया, वो फॉलो नहीं किया उन्होंने जो है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, ठीक है। मैंने जो उनका प्रोफाइल चेक किया तो उनको रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आता, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। दूसरा उन्होंने फॉलो नहीं किया स्टॉप लॉस,
स्टॉप लॉस उन्होंने फॉलो नहीं किया, इसलिए उनका लॉसेस बहुत ज़्यादा ज़्यादा हुआ है। और तीसरा, उन्होंने डिसिप्लिन भी फॉलो नहीं किया, डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया क्योंकि उनका अगर देखोगे ट्रेड आप लोग यहाँ पर एक एक दिन में उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेड ले चुका है, जिसके कारण में उनका जो चार्जेस आप लोग देख सकते हो इतना ज़्यादा चार्जेस लगा है। ठीक है, उन्होंने एक एक दिन में लालच में आके लॉसेस में डर के बहुत ज़्यादा ट्रेड लिया, जिस कारण उनको इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है ट्रेड लगा। तो ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि आप जुआ खेलने आए हो जुआ खेल के चले जाओगे, आपको बहुत सारा जो है डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे पैरामीटर को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं पैसा दिखाई देता है, पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप आते हो और पैसा लगा तो आपका पैसा बन जाएगा। अगर ऐसे सोच के आप लोगों को दूसरों का वीडियो देख रहे हो और बहुत सारा ऐसा यूट्यूबर है जो आपको बस प्रॉफिट दिखाता है, तो रियलिटी में आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप यूट्यूब में 10-15 वीडियो देख लिया और आप लोग सोच रहे हो आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हो चुका है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है जानकारी मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को गलती है। पहले अपना नॉलेज गेन करो, उसके बाद जो है मैं हमेशा बोलता हूँ पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद मार्केट में उतरो, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन ऐसा चीज़ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसा चीज़ है जहाँ पर लोगों को पैसा रातों रात जो है डबल होता है और रातों रात जो है लोगों को पैसा किस तरीके से पूरा गंदा हो जाता है। तो उनका जो कैपिटल था, उनका टोटल कैपिटल अभी ये जो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, टोटल कैपिटल लेके आए थे उन्होंने 40,000 के आसपास उन्होंने कैपिटल लेके आया था, जहाँ से 33,000 रुपीज़ उन्होंने खो दिया, 7,000 रुपीज़ उनके अकाउंट में पड़ा हुआ था, वो भी मेरे को अकाउंट देने से पहले उन्होंने हटा दिया, तो उन्होंने खुद ही बोला है। ठीक है, सो मतलब अभी 7,000 से उन्होंने ये जो 40,000 है इसको कैसे उन्होंने फिर से ला सकता है, मतलब एक डिफ़िकल्टी है बहुत ज़्यादा। तो उनको मैंने बहुत गाइड किया और आज की डेट पे उन्होंने इक्विटी पे ट्रेड किया और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है इक्विटी ट्रेडिंग में। तो उनको मैंने गाइड किया उस तरीके से, उन्होंने बोला है करेंगे, तो उसके हिसाब से उन्होंने आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। तो अगर आपको लगता है आपको ट्रेडिंग रिलेटेड उतना जानकारी नहीं है, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स को सब्सक्राइब कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस कुछ पैसा नहीं लगता इसको सब्सक्राइब करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको यहाँ पर माई 6 मंथ PNL दिखाया, आपको मेरा जो एक्सपायरी ट्रेडिंग क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट क्या होता है, सारी चीज़ आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर डिस्कस करता रहता हूँ। तो जाके आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, बहुत सारा मैं शॉर्ट वीडियो भी देता हूँ और बहुत सारा आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस भी दिखा चुका हूँ, बाकी आपके ऊपर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में